देखो जरा, बंदा फोन ही वापस ले आता है। वैसे भी मुझे वहां ना छोड़ा होता तो मेरे साथ ये सब ना होता। अल्लाह ही पूछेगा इस बोट वाले से। लैला, असलहान साहिबा तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। ठीक है, यस। गुड मॉर्निंग असलहान मैम, मुझे बुलाया आपने। बैठने का नहीं कहा है लैला, मर्जी फोन होल्डिंग का प्रोजेक्ट खो दिया है हमने। कैसे हुआ ये? अभी तक वजह नहीं पता तुम्हें इसकी? बहुत लापरवाह हो। यू आर फायर्ड लैला। फॉरेन अकाउंटिंग पे जाके कंपनी से अपने ताल्लुकात खत्म करो जल्दी। असलहान साहब, अगर आप मुझे मौका दें। अगर ये गलती किसी और एम्प्लॉय ने की होती जैसे कि मीने, तो उसे बहुत डांट पड़ती और बहुत इंसल्ट करके निकाल दिया जाता। और ये गलती जिससे हुई है, यानी कि तुम, इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हो? कभी सोचा भी नहीं था। कितनी बार तुम्हें वार्निंग दी थी कि खुद को सुधार लो लैला, लेकिन तुमसे नहीं हुआ बिल्कुल। और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ठीक कहा आपने, आपने अपना प्रोजेक्ट खो दिया, उसके लिए बहुत अफसोस है। लैला, कहाँ हो तुम कल से यार? मैं क्यों चली जाती हूँ उसके पास, क्यों चली जाती हूँ? कहा भी था, लेकिन तुम सुनती कब हो? इंसान अपनी की हुई गलतियों से ही सीखता है। बात सुनो, तुम्हारे घर वाले भी पूछ रहे थे तुम्हारा, कल से समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहूँ। तुम ठीक हो? लेकिन इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ओहो, क्या हो गया ऐसा? उसने मुझे कहा तो था, लेकिन मुझे कहा था कि खुद को संभालो, तुम ठीक नहीं जा रही हो, मैंने खुद अपना नुकसान किया है। कौन सी औरत, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो तुम ये चीजें क्यों जमा कर रही हो? मुझे फायर कर दिया है। क्या मेरे साथ ही हो? आप सबका बहुत शुक्रिया, आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक अच्छी टीम के साथ काम किया है। सब ख्याल रखिएगा अपना। क्या कहूंगी घर जाकर, क्या बताऊं, फायर कर दिया मुझे। उफ, क्या मैं बिस्किट्स बेक करूं? और रह क्या गया है वैसे भी, अगर परिहान ने सब कुछ बता दिया तो शादी कैंसिल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और सार्फ होने भी नहीं देगा ऐसा, है ना? या फिर, अरे वो तो वैसे भी जा रहे हैं यहां से, अगर नहीं गया तो क्या होगा? लैला, तुम फिर खुद से बातें कर रही हो क्या? यानी तुमने तो अपनी आदत ही बना ली है, मुझे डर लगने लगा है। अब मेरे साथ और हो भी क्या सकता है सदा? आसमान से पत्थर गिर सकते हैं, एलियंस मुझे अगवा भी कर सकते हैं, या फिर लैला जान, उसके बाद देखना तुम, टिड्डियों का हमला भी होगा मुझ पर। मुझे कुछ करना होगा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं समझ आ रही ये बात। और क्या करना चाहती हो साहब, काफी नहीं है क्या? खैर, जा रहा है वो। इधर देखो, वो जाता है तो जाए, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने ऐसे क्या कहा? कुछ नहीं कहा। ठीक है, अगर वो चला भी जाता है तो तुम्हें क्या लगता है मसले खत्म हो जाएंगे मेरे? कुछ नहीं होगा, शादी के मामलात नहीं होंगे। उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब क्या करूँ मैं? बिस्किट बेचूंगी बाहर जाकर। अब मुझे पुरानी वाली लैला के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पे पुरानी वाली लैला वापस चाहिए। मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है मुझे।
क्या करूँ, बाहर थोड़ा दौड़ कर आऊँ क्या, या फिर किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, या बाहर जाकर चीखो चिल्लाऊँ वो भी जोर से। यहाँ तो रश है, यहाँ नहीं हो सकता। आती हूँ। सही से सुकून नहीं मिला मुझे, सिर्फ ठंड लग गई और कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पीछे आई इसलिए हुआ ये, मेरी वजह से नौकरी से निकाली गई ये लड़की। कल उस कश्ती में लैला के साथ में सब इतना खूबसूरत था कि, और तकलीफ दे भी उतना ही था। कुछ देर तो मुझे ऐसा लगता रहा जैसे हम साथ हैं अभी भी, जैसे वो मुझे छोड़कर कभी गया ही ना हो, जैसे मेलिसा थी ही नहीं हमारी जिंदगी में, जैसे हमारी शादी हो गई हो, ऐसा लगा। यूं लग रहा था कि जैसे हम छुट्टियों पे किसी जजीरे पर आए हैं, कुछ लम्हात बहुत अच्छे थे, जैसे उसके साथ सब तकलीफें भूल गया हूं मैं, मेलिसा, मॉम, शादी, काम वाम, सब कुछ। शादी की तैयारियां, उसके बोले हुए सब झूठ, उससे नफरत, जैसे कुछ था ही नहीं। शायद हम बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के, तकरीबन। खैर छोड़ो, जाने दो, गुजर गया वक्त, अब कोई फायदा नहीं। जा रहा हूँ। जा रहा है? जा रहा हूँ, लेकिन उसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। मतलब क्या, रुकोगे क्या? नहीं, मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन पहले उसकी नौकरी दिलवाने में मदद करूंगा। ये हुई ना बात, वैसे भी अब वो जा रहा है तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है मुझे। अब जो भी करोगे सोच समझ के करना, पहले भी ऐसे ही गए थे तुम, कहीं फिर से उलझ ना जाओ। देखो, मैंने जब से लैला को देखा है उलझा हुआ ही हूं मैं। हो सकता है कि मेलिसा के साथ भी ज्यादती हो जाए, ये क्यों नहीं सोच रहे? सिर्फ लैला को जहन में रख के इस तरह के डिसीजंस ले रहे हो, ये गलत नहीं है क्या भाई? बताओ ना, सही कर रहे हो क्या? याद है लैला के लिए क्या कहा था, कि ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और अब कह रहे हो कि मेलिसा से भी प्यार करते हो, चाहते क्या हो आखिर? इश्क कुछ और ही है जान, प्यार और इश्क एक नहीं है, किसी से भी प्यार कर सकते हो, लेकिन इश्क कुछ और है। मुझे लैला से पहली नजर में इश्क हो गया था जान, पहली नजर में। वो समझाया नहीं जा सकता, नहीं समझा सकता, लेकिन मेलिसा के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसका भी कोई कसूर नहीं है। देखो, अब लैला मिल गई तो मेलिसा को छोड़ दूं क्या? ये सब करके एक अच्छा इंसान बनूंगा क्या मैं? समझ नहीं आ रहा कितना मुश्किल है ये। मैं कुछ भी कर लूं किसी एक को तकलीफ जरूर पहुंचेगी इससे। तो फिर किसे तकलीफ दोगे, लैला को या मेलिसा को? बस बहुत हो गया। क्या हुआ है? मुबारक हो लैला मैम, आपके लिए अपडेट आई है। क्या? तुम्हारा वर्जन अपडेट हो रहा है, यानी लैला 2.0, ज्यादा तेज, ज्यादा पायदार, ज्यादा मजबूत। हाथों से क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये सब होगा कैसे? सबसे पहले तमाम मसाइल को हल करेंगे। पहली बात, एक इंसान की जिंदगी की डोर किसके हाथ में होती है? किसके? अपने हाथ में। तुम्हारे किसके हाथ में है? किसके? सार्प के। सबसे पहले वो डोर वापस लेंगे, उसके बाद फैमिली, जो कि बहुत अहम है, हलील चाचा, मिराल चाची, उनके साथ ईमानदारी से रहकर उनका दिल जीतूंगी। यार वो लोग तो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। सार्प के साथ ताल्लुक वैसे, बस कोई और बात करो, उसके बारे में बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है। आखिरी बात लेकिन सबसे जरूरी,
नौकरी वापस लोगी लैला, कुछ भी करके मर्जी फोन वालों को मनाना होगा। असलेहान मैम के सामने प्रूफ करो। ठीक कहा। हाँ तो फिर मैं क्यों हार मान रही हूँ? हाँ ना, कौन सी हार, अब तो शुरुआत है लड़की। चलो उठो, शाबाश। ठीक कह रही हो तुम, ये सही बात है। नई लैला तैयार है हर मुश्किल के लिए। ये हुई ना बात, हिम्मत करो। आओ बैठ जाओ। अभी भी गुस्सा हो मुझ पे? मैंने तो बस मजाक किया था। जो नफरत और गुस्सा मैं तुमसे करती हूँ वो कभी खत्म नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ऊपर से कहते हो मजाक किया था, मत किया करो मजाक मुझसे। मैं भी यही सोचती हूँ कि काश वो सब कुछ भी मजाक होता एक, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक थी मैं, बिल्कुल सही कर रही थी, कम से कम गुजारा तो कर रही थी। और तुम फिर आ गए, सब फिर से शुरू हो गया। नींद नहीं आती थी, डरावने ख्वाब आते थे। तुमसे मिलकर सब अजीब हो गया। 5 साल गुजर गए, 5 साल। और इन 5 सालों में तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली मुझे। पता है कभी कभी लगता था कि शायद तुम मर गए हो, क्योंकि ऐसा होता तो ज्यादा आसान होता। माफ करना लेकिन ऐसा ही है, तुमने बहुत तकलीफ दी मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें दोबारा देखकर बहुत गुस्सा आता है, बेबस महसूस करती हूँ मैं। ऐसा महसूस मत करो प्लीज। शायद मैं इसीलिए यहां पर आया कि तुम आओगी, आखिरी बार अकेले रह सके, इस बार अलविदा कह सके। तुम सिर्फ अपने जमीर का बोझ हटा रहे हो। नहीं लैला, मैं बस अपने एहसासात बता रहा हूँ। मत बताओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जानने में। लैला खुदा के लिए मेरी बात सुनोगी? रहने दो बस, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा भी हर दिन जहन्नुम के जैसा था, बिखर गया था, खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। लेकिन जाहिर है तुमने नहीं देखा क्योंकि तुम नहीं थी। तुम भी नहीं थे सार, तुम भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे, कभी नहीं। और अब दोबारा वापस जा रहे हो। लैला बस कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो? ठीक है मैं कसूरवार हूं, नफरत करो मुझसे और करती भी हो तुम। जब से मिले हैं तब से जो भी किया वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। लेकिन अब खत्म हो गया, खत्म हो गया लैला, जा रहा हूं मैं। Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मी? तुम्हारे लिए कोई भी खबर नहीं है। कैसी खबर? मर्जी फोन होल्डिंग ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। वो कैसे? वो तो हो गया था ना? शायद नहीं हुआ था। लैला आई थी क्या? आई भी और चली भी गई। क्या मतलब? निकाल दिया उसे। अरे वो क्यों? बिल्कुल, और पछतावा भी नहीं है, जो करना था वही किया है। अगर इस बारे में कोई बात करनी है तो शाम तक इंतजार करो, इस वक्त सर में बहुत दर्द है। मजान,
आप ये क्या कह रही हैं? अपने मुलाजिम की सिर्फ एक गलती पर उसे नहीं निकाला जाता, और आपने लैला को निकाल दिया, आपकी बेस्ट एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा। हाँ, जानशीन थी। निकालने की वजह यह है, वो इंसान जिसने मेरी जगह लेनी है वो इतनी बड़ी गलती करके यूं गायब नहीं हो सकता। आपको अंदाजा है कि आपने क्या किया है? बोलिए। आपको बताया था वो मेरी मोहब्बत है, इसकी कोई अहमियत नहीं। आर्ता, जानते हैं ये अपनी जाती जिंदगी में जो करना है करें, लेकिन मेरी आखिरी बात कान खोल कर सुन लो। उसे जल्द बहाल करें। नहीं मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, बेटा। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा मेरे साथ? अब मैं उसे कैसे कायल करूंगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा आर्दा, इस बात का तुमसे क्या ताल्लुक? ठीक है, मर्जी आपकी, अब मैं भी नहीं हूं, उसी के पास जा रहा हूं मैं। आर्दा, आर्दा। हेलो, मैंने कहा था किसी मामले में दखल मत दीजिएगा। बेटा, मैं तुम्हारे काम आसान कर रही हूँ, बगैर कुछ सुने मुझे कुछ भी बोल देते हो तुम। हाँ, कुछ भी मत कीजिए मॉम, आप कुछ भी मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करना चाहता, समझिए आप। जो करना था कर लिया आपने, जाने दें हम। हाय, ये भी पागल है। उफ यार साहब, तुम मेलिसा को लंदन जाने पे राजी करने के लिए गए थे, बजाय शुक्रिया अदा करने के नखरे दिखा रहे हो। मॉम देखें, आप हमें सुकून से रहने दें, मैं सुकून से रहना चाहता हूँ, मेलिसा को सुकून से रहने दें, और लैला को भी सुकून से रहने दें आप, ठीक है? समझ आ रही है आपको? मैं फोन बंद कर रहा हूँ अब, ठीक है? मैं बंद कर रहा हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लैला को ढूंढ रहे हो ना? मम्मा ने लैला को नौकरी से निकाल दिया है। तुम कहाँ थे यार, क्या हो गया है तुम्हें? मेलिसा को देखा है तुमने? कितनी फिक्रमंद रहती है बेचारी, वो गलत कर रहे हो यार तुम। हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं सब बताऊंगा, तुम भी सब जान जाओगे, फिक्र मत करो। ठीक है, कुछ अच्छे की ही तवक्को रखते हैं तुमसे। अल्लाह हाफिज। लैला, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये मेरी जॉब की वजह से नहीं है। अफसोस इस बात का है कि असलहान साहिबा की मैंने उस वक्त मदद नहीं की जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे बेहद अफसोस है, मैं उनके साथ मौजूद नहीं थी। तुम तो मुख्तलिफ नजरिए रखती हो यार। ऐसे ही हूं। हाँ यार, तुम वाकई ऐसी हो। मैंने भी छोड़ दिया। क्या मतलब है, किस लिए? लैला, तुमसे प्यार करता हूं मैं।